हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माइजिक्स एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, और जिन्होंने भी इंटर में प्राविधिक कला लिया है और जिन्होंने प्राइवेट फॉर्म डाला है उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होगी। हम लोगों ने पहले सीखा था एच का सम्मित्र चित्र बनाना, और फिर ई का। आज हम लोग सीखेंगे आर का सम्मित्र चित्र कैसे बनता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सम्मित्र चित्र वाला जो ये प्रश्न आता है, ये 16 नंबर का आता है। तो इसमें हमको एक लेटर दिया जाता है, कोई भी से हमें ए बी सी डी कुछ भी कोई अल्फ़ाबेट में से हमको एक लेटर मिलता है, तो उसको हमें बनाना होता है और उसके हमें 16 नंबर मिल जाते हैं सम्मित्र चित्र बनाने पर। तो आज हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक आधारशिला खींचते हैं, जिसको आधार रेखाएं खींचेंगे। इस तरीके से हम लोग एक आधार रेखा खींच लेंगे। फिर हम लोग चांदी का यूज़ करके हम लोग फिर जो 90 डिग्री का जो कोण होता है, तो आप देख रहे होंगे 90 डिग्री का कोण उल्टा रख दिया था, सॉरी। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये 90 डिग्री का कोण होता है, यहाँ पे हमें एक पॉइंट रखना होता है, तो हम यहाँ पे पॉइंट रखेंगे। फिर एक इधर 30 डिग्री वाला जो है, यहाँ पे हमें भी एक पॉइंट रखना है, यहाँ पे रखेंगे। और इसी तरीके से इधर भी 30 डिग्री पर हम पॉइंट रखेंगे। तो ये हम लोगों ने पॉइंट रख लिया है। आप देख रहे होंगे एक ये पॉइंट हो गया और एक वो एक ये। अब हम लोग स्केल की मदद से जब भी हम सम्मित्र चित्र बनाते हैं, तो हम लोग जो 90 डिग्री वाली पॉइंट होता है, तो 90 डिग्री का आप ये पॉइंट देख रहे होंगे, तो इस पे हम लोग स्केल की मदद से 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं। जब भी हम कुछ भी सम्मित चित्र में कोई भी लेटर बनाते हैं, तो 90 डिग्री का जो पॉइंट होता है, उसको हम 7 सेंटीमीटर की लाइन को पूरा करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे ये मैंने 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची है। इस तरीके से लाइन खींचेंगे। फिर जो इधर मैंने 30 डिग्री पे पॉइंट रखा है, इधर भी हम लोग एक लाइन खींचेंगे, मगर इधर की जो लाइन होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। तो हम पहले एक लाइन खींच लेंगे यहाँ तक, इस तरीके से। फिर हम इधर भी एक लाइन खींचेंगे, ये हमने लाइन खींच ली। तो ये आप देख रहे होंगे ये 30 डिग्री का कोण होता है, तो यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री लिख देंगे। और ये जो होती है, ये होती है आधार रेखा। और इस वाली लाइन को कहते हैं हम लोग सम्मित्र रेखा, या सम्मित्र चित्र भी कह देते हैं, सम्मित्र चित्र। तो ये जो मैंने अभी 7 सेंटीमीटर वाली जो लाइन खींची है, अब हम इसमें पॉइंट रखते हुए चलेंगे। यहाँ से 7 सेंटीमीटर है, तो एक यहाँ पे पॉइंट आएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ। तो आप देख रहे होंगे मैंने एक पॉइंट रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आप यहाँ पे 7 यानी कि 7 बिंदु यहाँ पे रखेंगे। फिर इसी तरीके इधर जो हमारे क्वेश्चन में दिया होता है कि 7 सेंटीमीटर की एक लाइन और इधर 4 सेंटीमीटर, तो ये वाली जो लाइन होती है इधर की सम्मित चित्र वाली लाइन, तो इसको हम लोग 4 सेंटीमीटर की रखते हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट रख लेंगे 4, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये हमारा।
और इधर आप ध्यान रखिएगा, इधर वाली जो ये लाइन है, इधर जब हम लोग पॉइंट रखते हैं तो ये जो लाइन होती है वो 1 सेंटीमीटर की रहती है इसकी चौड़ाई। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर हम पॉइंट रखेंगे। तो मैंने पॉइंट रख लिए हैं। अब हमें करना क्या है, जो मैंने इधर 4 सेंटीमीटर वाले में पॉइंट रखे हैं, तो इन लाइनों को हमें पूरा करना है। और लाइन कितनी रहेंगी वो भी, ये जितनी भी आप पॉइंट रखते हैं, ये जितनी भी लाइन बनेंगी वो सब 4 सेंटीमीटर की लाइन बनेंगी, 7 सेंटीमीटर की, सॉरी 7 सेंटीमीटर की ये लाइन बनेंगी। तो हम लोग ये 7 सेंटीमीटर की लाइन को पूरी करेंगे इस तरीके से। अब देख रहे होंगे ये मैं 7 सेंटीमीटर तक लाइन को पूरा कर रहा हूँ। इस तरीके से तो मैंने ये लाइन पूरी कर ली है। अब हमें करना क्या होता है, जो इधर वाली जो आप लास्ट वाली लाइन पर देख रहे हैं, जो चौथा ये बिंदु है, इसमें भी हमें पॉइंट रखना है। पॉइंट कितने होंगे, वो भी 7 पॉइंट हम लोग रखेंगे। तो एक ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, एक यहाँ पास, और एक यहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर। तो ये हमारे पॉइंट होंगे। और जो मैंने इधर भी 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट रखा था, इसको भी हम 7 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेंगे। इस तरीके से तो मैंने ये लाइन को पूरा कर लिया। और इधर भी हम पॉइंट रखेंगे, वो भी 7 पॉइंट होंगे। एक ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ, और यहाँ। तो ये हमारे पॉइंट हो गए। अब हमें करना क्या होता है कि जो हम लोग पॉइंट लगाए हैं, इधर भी पॉइंट है, इधर भी, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमें मिलाकर लाइन को बनाना है। तो हम लोग ये पॉइंट को मिलाकर लाइन बना रहे हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो इन सभी को हमें इसी तरीके से पॉइंट को पॉइंट में मिलाकर लाइन बना देनी है। तो इधर की हमारी ये लाइन पूरी हो चुकी है। आप इधर भी देख रहे होंगे, जो इधर मैंने पॉइंट रखा है, फिर इधर, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से भी मिलाकर लाइन बनानी है। तो आप इस तरीके से स्केल रखेंगे और पॉइंट को पॉइंट में मिलाकर लाइन बना देंगे इस तरीके से। पूरी लाइन को हमें बना, तो ये हमारी लाइन बन चुकी है। अब हमें करना क्या है, जो आप ये देख रहे हैं, ये पॉइंट जो लास्ट का जो चौथा पॉइंट है, 4 सेंटीमीटर में ये लाइन है, इस पॉइंट को छोड़कर इस वाली लाइन को हम लेंगे जो तीसरे नंबर पर, तीसरे बिंदु पर आती है। तो इसको हमें करना क्या होता है, जो 7 सेंटीमीटर हमने ये लाइन खींची थी, इसको हमें 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेनी है इस तरीके, यानी कि इसको हम 8 सेंटीमीटर कर देंगे इस तरीके से। ये हमारी लाइन पूरी हो चुकी है। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाकर इसको भी हम लाइन को पूरा करेंगे इस तरीके से। और ये भी देख रहे हैं आप, तो इसको हम, इसको भी बॉक्स को बंद कर देंगे लाइन के द्वारा इस तरीके से। अब ये लाइन को हमें पूरी पूरी इसमें मिला देनी है। इस तरीके से हमने पूरी की है। अब क्या करना है, आप ये कॉर्नर देख रहे होंगे और वो कॉर्नर, तो इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से मिलाकर हमें लाइन बनानी है। आप देख रहे होंगे इस तरीके से हमने स्केल रखा है, और इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से मिलाकर लाइन को पूरी कर लेनी है इस तरीके से। बड़े ही हमें ध्यान से ये काम करना है, और बिल्कुल बराबर हमें लाइन को लाइन में मिला दे। तो इतना हमारा ग्राफ बनकर ये तैयार हो चुका है।
हम लोग बनाने वाले क्या हैं, आर का सम्मित्र चित्र। ये आर आप देख रहे होंगे, आर का सम्मित्र चित्र बनाएंगे। अब हमें वहाँ जब प्रश्न आता है तो हमें ये दर्शाना भी पड़ेगा कि कितने सेंटीमीटर के हमने लाइनें खींची हैं। तो आप ये वाली देख रहे होंगे, ये जो लाइन है ये होती है 7 सेंटीमीटर की लाइन। तो हम 7 सेंटीमीटर तक लाइन खींच देंगे इस तरीके से, और वहाँ हम ये इस तरीके से दर्शाएंगे कि ये 7 सेंटीमीटर की लाइन है। और ये जो देख रहे हैं ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है। तो हम 4 सेंटीमीटर की लाइन को रखेंगे और इस तरीके से लाइन खींच के, और वहाँ हमें दिखा देंगे 4 सेंटीमीटर की लाइन है। और ये वाली लाइन जो है, जिसको हम ये कहते हैं, ये लाइन है जो, ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है। तो 1 सेंटीमीटर तक इसको हम दर्शाएंगे, ये 1 सेंटीमीटर की हो गई। तो इतना हमारा ग्राफ बनकर ये तैयार कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे कि जो हमारा मेन काम होता है, इसके अंदर हम अल्फाबेट जो आर है, आर को इसमें हम बनाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं इसको हम डार्क करेंगे थोड़ा, क्योंकि हमें अब थोड़ा इसको अलग दिखाना है, क्योंकि हम लोग आर का सम्मित्र चित्र बना रहे हैं। तो ये हम डार्क करेंगे थोड़ी, ये हमने डार्क कर ली इस तरीके से। इधर भी इस लाइन को हमें डार्क करना है इस तरीके से, ये हमने इतना डार्क कर लिया है। अब क्या करना है कि इधर के जो ऊपर के जो आप दो बॉक्स देख रहे हैं, इसको हमें, इस दो बॉक्स की जो लाइन है इनको हम भी डार्क करेंगे यहाँ तक। और इधर भी हम लोग बॉक्स की लाइनों को, दो बॉक्स जो हैं इन लाइनों को हम पूरा करेंगे इस तरीके से। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देख रहे होंगे इसको थोड़ा हमें हाफ सर्किल लाना है, क्योंकि आर्क का जो ये सर्किल हाफ सर्किल है, इसको थोड़ा हमें गोलाई से लाना है। तो इस तरीके से हम लाएंगे यहाँ तक और इस तरीके से हम मिलाएंगे। तो ये ऐसे करके थोड़ा आप इसको थोड़ा ध्यान से बनाइए कि थोड़ा ये गोलाई में लगे। तो इस तरीके से ये जो है हम लोग इस तरीके से ऐसे से लाते हैं, एक बॉक्स पूरा हमने कवर कर लिया। और इस बॉक्स में थोड़ा हाफ रखेंगे सर्किल को, यहाँ से इसको हम मोड़ देंगे यहाँ तक, यहाँ तक हमने मोड़ दिया है। अब क्या करना है, इस लाइन को यहाँ पास से इसको इधर की तरफ हमें मोड़ना है इस तरीके से, यहाँ से मोड़ के फिर इस लाइन को हम पूरा करेंगे। इस स्केल की मदद से लाइन को बढ़िया डार्क कर लेंगे ऐसे। तो ये हमारा इतना जो है, ये हमने सर्किल को पूरा किया है इस तरीके से। फिर क्या करना है, ऊपर से भी हमें इसको थोड़ा यहाँ से मोड़ना है। ध्यान से आप देखिएगा और वहाँ इसको इसी तरीके से, इसी मेथड से आपको वहाँ बनाना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब क्या करना है कि हम लोग ये इस कॉर्नर से इसको यहाँ से हम लोग मोड़ेंगे इस तरीके से ऐसे। और यहाँ तक इसको हम लाइन को डार्क कर देंगे इस तरीके से। फिर आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि इसको इधर भी हमें थोड़ा मोड़ना है, कि थोड़ा ये जब हम इसको शेडिंग देंगे तो भी हमें थोड़ा अच्छा दिखे। और इसको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ से ऐसे मोड़ देना है। अब करना क्या है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको भी हमें
ये दो बॉक्स वाली लाइन है, इसको हमने डार्क करना है। और ये ऐसे इसमें ऐसे मिला देना। फिर आप यहाँ से भी देख रहे होंगे, इसको भी हमें लाइन को पूरा करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको हम डार्क करेंगे, इसको हम यहाँ से ऐसे जब मोड़ेंगे इस तरीके से, और इसको हम ये डार्क कर देंगे। फिर क्या करना है, अब यहाँ से इसको इस कॉर्नर से बीच को क्रॉस दे देना है, लाइन बना देनी है इस तरीके से। हमने ये लाइन बना दी है और इसको इसमें मिला देना है ऐसे। फिर क्या करना है, ये लाइन को पूरी, जो तीन बॉक्स आप देख रहे हैं इनको अभी तीन लाइनों को हमें डार्क करना है इस तरीके से। लाइन को हम डार्क कर लेंगे तो ये इतना हम ये हमने डार्क। अब इसको हम क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर में इसको हम शेडो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा हमें ऐसे सर्किल को ऐसे थोड़ा सा हमें गोल लेना है यहाँ पास, और इसमें इस लाइन को ऐसे मिला देना है। एक हम क्या करेंगे, स्केल से इसको डार्क कर देंगे इस तरीके से। तो ये इतना हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें पेंसिल से शेड करना है। पेंसिल को और किस तरीके से कहाँ पे शेड होगा तो आप लोग देखें। तो ये वाला जो पोर्शन है इधर का, तो इसको भी हम लोग पेंसिल के द्वारा ही इसको शेड करेंगे इस तरीके से। तो इधर आपने देख लिया होगा कि ये हमने इसको शेड कर दिया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो ये आप देख रहे हैं ये इस पोर्शन को भी हमें पेंसिल के द्वारा ही शेड करना है। तो इस तरीके से हम शेड देते चले जाएंगे, उसको हम लोग पेंसिल से भर दें। तो इधर भी मैंने भर दिया है। अब हम लोग ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं इसको भी हमें पेंसिल के द्वारा खूब अच्छा सा वहाँ शेड देना है, ताकि हमें अच्छे नंबर मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं वो आपके हाथ में है कि आप कितना अच्छा बना सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा इसमें फिनिशिंग तो नहीं आई है, अगर आप थोड़ी कोशिश करके थोड़ा वहाँ अच्छे तरीके से बनाइएगा और थोड़ा इसमें फिनिशिंग देना होगा, और जब आप अच्छा बनाएंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर आपको फुल में फुल दे सकता है। तो आप कोशिश करिएगा कि वहाँ थोड़ा सा अच्छा सा बने। तो इधर भी मैंने इसको भर दिया है। अब हमारा जो लास्ट जो हमारे इधर का पोर्शन बचा है, इसको भी हम लोग पेंसिल के द्वारा ही इसको शेडिंग कर देंगे, इसको शेड दे देंगे अच्छा सा। तो हमारा आर का सम्मित्र चित्र बनकर तैयार हो चुका है। तो कोशिश करिएगा कि आप थोड़ा सा अच्छा बनाएं। तो आपको ये, क्योंकि सम्मित्र चित्र का जो ये प्रश्न आता है वो 16 नंबर का होता है, तो कोशिश करिएगा कि आप थोड़ा अच्छा सा बनाकर इसके पूरे नंबर अपने नाम करिएगा, ताकि जब आप अच्छा ये सम्मित्र चित्र बनाएंगे और भी उसमें जो प्रश्न है क्वेश्चन है, तो जब आप उन सभी को सॉल्व करेंगे तो आपको आपका स्कोर अच्छा रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आगे आपको कौन सा चित्र इम्पोर्टेंट लगता है, कौन सा सम्मित्र चित्र जो है इम्पोर्टेंट लगता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।